कोर्ट में नए सबूत पेश किए जाएं। जो प्रूफ लाए हो जज साहब के सामने पेश करो। वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ मैं खुद हूं योर ऑनर, मैं आई विटनेस हूं। इसका मतलब तुम घटना स्थल पर मौजूद थे और इन चारों को तुमने दीप्ति का रेप करते हुए देखा? वहां चार नहीं, पांच लोग थे। दीप्ति का मर्डर और रेप करने वाले पांच लोग, वो पांचवा गुनेगार और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। हम पांचों ने मिलकर उसे किडनैप किया। क्या? हम पांचों ने मिलकर उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया। क्या झूठ? शरीर में सुइयां चुभोई, ब्लेड से उसके शरीर पर अनगिनत वार किए, एसिड से उसे जलाया और एक नहीं दो नहीं 40 दिन तक उसे नर्क के अंदर रखा। हमसे मौत की भीख मांगती थी वो, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाती थी हमें अंदर से सुकून मिलता था। हम तो वैसी दरिंदे हैं सर। क्यों है ना? पागल हो गया क्या? सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ। मत सुनिए इसकी बात। अगर तुम इनमें से एक हो तो तुमने इनके खिलाफ केस फाइल क्यों किया? मैंने इनसे पैसे मांगे, मना कर दिया। इससे हमारे बीच झगड़ा हुआ, मैंने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, कहा कि मेरे पास सीडी है, पर ये नहीं माने। केस फाइल किया तो ये डर कर भाग गए। कल सबको पता चल गया कि मैंने कोर्ट में ब्लैंक सीडी जमा की है, पर फिर मैंने कहा मेरे पास एक और प्रूफ है। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, बेरहमी से पीटा है मुझे इन्होंने। इन्हें लगा मैं मर गया हूं तो मुझे छोड़ के चले आए। क्या बकवास कर रहा है? मैं जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ा था, तब मुझे उस लड़की के दर्द का एहसास हुआ। मुझे पछतावा होने लगा, लगा मुझे मर जाना चाहिए। जीने का क्या हक है मुझे? इस देश के करोड़ों लोग इस कोर्ट को मंदिर मानते हैं और आपको भगवान समझते हैं। सोचा मरने से पहले आपको एक बार सच बता दूं। अभी कुछ देर पहले इस जल्लाद ने मुझे खरीदने की कोशिश की, यही कोर्ट की सीढ़ियों पर। लेकिन मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। सर हमने दीप्ति पर बहुत जुल्म ढाए हैं सर, हमें माफ मत कीजिए सर। एक्चुअली सच तो यह है कि उस दिन हम दीप्ति को किडनैप करने ही नहीं वाले थे, आपकी पोती संध्या को उठाने वाले थे। क्या बकवास कर रहा है? विश्वास नहीं हो रहा ना? आपकी पोती संध्या गीता कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ती है ना, शाम को ट्यूशन के लिए गाजुआ का जाती है। हमारा असली प्लान तो उसे ट्रैप करना था सर, सब फिक्स हो गया था, रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन किडनैपिंग के एग्जैक्ट टाइम पे संध्या वहां आई नहीं। हमने दीप्ति को देखा, मैंने मना किया, लेकिन इन्होंने कहा उठा लो। तू क्या बोल रहा है? संदीप ने कहा दीप्ति को किडनैप करो, वो भी तो एक लड़की है, संध्या को फिर कभी उठा लेंगे। झूठ बोल रहा है, सब इसी ने कहा। जसब ये झूठ बोला जसब सर। ये सर शायद थर्सडे या फिर फ्राइडे की बात होगी, हम उसे उठाने फिर गए, हम रुके थे लेकिन संध्या नहीं आई, वो गुंटूर चली गई थी। आपका छोटा भाई वहां रहता है ना, उनका घर है ना वहां पर। क्या ऐसा क्राइम करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? डर किस बात का? क्या बिगाड़ लेंगे आप? उम्र कैद की सजा सुनाएंगे ना, आपके ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। कानून में हजारों सेक्शन है, हजारों सब सेक्शन है। किसी लड़की को देखने के बाद कुछ मिनट लगते हैं उसका रेप करने में, कुछ मिनट में सजा सुना सकते हैं आप? ये सब छोड़िए सर, या हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अगले एक दो दिन में हमें फांसी पर चढ़ा सकें? हमारे देश का इतिहास है कि एक दो दिन में किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। वैसे भी हमसे पहले 52 मुजरिम ऐसे हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमें आज फांसी की सजा सुना भी दी तो भी हमारा नंबर आते आते 25 साल लग जाएंगे, तब तक संध्या और दीप्ति जैसी कितनी लड़कियों के रेप हो जाएंगे। इसी वजह से तो मुझे इस देश से इतना प्यार है। ऐसी आजादी आपको दुनिया में कौन से देश में मिलेगी बताइए? मेरा भारत महान, I'm proud to be an Indian. सर आज मुझ में इतनी हिम्मत है कि सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर सकूं, लेकिन क्या हम पांचों को कल सुबह तक फांसी पर चढ़ाने की आप में हिम्मत है? ऑर्डर ऑर्डर! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बापरे, हम
हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए इन पांच लोगों के मन में कोई सम्मान नहीं है और ऐसे लोग समाज के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। इसलिए यह अदालत इन पांचों को 24 घंटे के अंदर फांसी देने का आदेश देती है। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे, या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। क्यों किया तुमने ऐसा दया? इल्जाम अपने सिर पर क्यों ले लिया? बहुत बड़ी गलती की है तुमने, मेरे बारे में नहीं सोचा। कैसे जी पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना? रुक जाओ, हैवान हो तुम, दरिंदे कहीं के। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, मार दो इसे, जान से मार दो। मैडम, बहुत बड़ी भूल कर रही हैं आप। आप सच्चाई को समझ नहीं पा रही हैं। आपको इनके बारे में गलत फहमी हो रही है। ये तो देवता है, देवता है ये इंसान, ये देवता है। अच्छा हो अगर इसी वक्त एक सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहा कर ले जाए, उसमें डूब कर आप मर जाए। सुनामी आखिर आ ही गई मूर्ति जी। सर, सर, आज देश के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। फैसले के 24 घंटे के अंदर मुजरिमों को फांसी होगी। कमीने, तुझे क्या लगता है हम पागल हैं? कोर्ट में तूने हमें पागल साबित कर दिया, पर असली पागल तू है। ठीक 10 घंटे बाद सुबह के 5:30 बजे दीप्ति रेप केस के पांचों आरोपियों को फांसी दी जाएगी। पूरा देश इन पांच अपराधियों की फांसी का इंतजार कर रहा है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बताओ आखिरी बार क्या खाना चाहोगे? क्या कहा? खाना खिलाएगा? हम यहाँ मरने वाले और तेरे को खाना खिलाना है? चल जा, जाकर उससे पूछ क्या खाएगा। मुझसे पूछ? वेजिटेबल सूप, दाल राइस, दाल राइस, आलू के पराठे। इसके अलावा एसआई दया ने पालक पनीर और गाजर का हलवा खाने की इच्छा जाहिर की। बाकी 4 आरोपियों ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अब केवल 1 घंटा और 25 मिनट बाकी है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, वो सीडी खो चुकी है। इसीलिए दीप्ति को न्याय दिलाने के लिए और असली गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए दया ने इल्जाम अपने सर ले लिया। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? मेरे पास उस सीडी की एक और कॉपी है। आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, मेरे पास एक और कॉपी है। अभी अभी हमें इस केस से जुड़ी एक नई जानकारी मिली है। दीप्ति की बहन न्यूयॉर्क से हमें कुछ बताना चाहती है। सबसे पहले इस फांसी को रुकवाना होगा। दया इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। मेरी बहन को 4 भाइयों ने मारा। मेरे पास उसकी सीडी है। प्लीज इस फांसी को रुकवाइए। प्लीज जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। प्लीज मेरे भैया को बचा लीजिए। उन्होंने जानबूझकर अपने सिर पर ये इल्जाम लिया।
जज साहब, बाहर आइए जज साहब। सर, सर। दया, हमें तुम्हारी फांसी रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। तुमने ये गुनाह नहीं किया। टीवी चैनल्स पर वो सीडी दिखाई जा रही है। सीडी के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे इतना बताइए, सिर्फ मेरी फांसी रुकी है या इनकी भी? सिर्फ तुम्हारी। यानी इसे छोड़कर सिर्फ हमें फांसी मिलेगी? सर, इन भाइयों ने उस लड़की को 40 दिन तक नर्क में रखा। इन्हें 2 मिनट में मारकर सुकून की मौत मत दीजिए। मेरे हाथ 10 मिनट के लिए खोल दीजिए, मैं सजा दूंगा इन्हें। क्या कह रहे हो सर? वैसे भी आप इन्हें फांसी पर लटकाने वाले हैं, उससे पहले मुझे इनके साथ बस 10 मिनट चाहिए। छोड़ दो मुझे, साले को जान से मार दूंगा। कमीने, तुझे मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि इसका अंजाम क्या होगा, कुछ मत लिखिए रजिस्टर में। ना इसने गोली मारी, ना पुलिस वाला जख्मी हुआ, ना आपने मेरे हाथ खोले, कुछ नहीं। ये बात इन 4 दीवारों के अंदर ही रहेगी। मेरे हाथ खोल दीजिए सर, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। इन्हें सबक सिखाने के लिए उतना वक्त काफी है, खोलिए। रुको साला, मुझे बता दो। मैं आ रहा हूँ। खोलिए सर, खोलिए। अपने भाइयों को अलविदा कह ले। मेरा भाई, मेरे भाई का भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। कुछ नहीं हो सकता भाई, 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 छोड़ मारे, छोड़ा, तेरे को भाई, रुक, तेरी तो, यार तू, चल से मार डालो उधर, अबे, उधर से जा, उधर से, उधर से, चल, उधर से जाता, यार रुक। Thank you.
सर अब भी 6 मिनट बाकी हैं। अगर इस जेल में और ऐसे हैवान हो तो ले आइए उन्हें। दीप्ति का बलात्कार करने वाले चारों अपराधियों को 10 मिनट पहले विशाखापट्टनम की जेल में फांसी पर लटका दिया गया है और न्याय की खातिर अपना बलिदान देने वाले एसआई दया को रिहा कर दिया गया है। मैं नहीं जानता गांधी जी कैसे थे, पर उनका दिल आप जैसा ही होगा। हर पुलिस स्टेशन में आप जैसा एक ऑफिसर होना चाहिए। मुझ जैसे ऑफिसर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन देश को आप जैसे एक ऑफिसर की जरूरत है। प्लीज मुझे माफ कर दो।